हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 12.5 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। एबीसी इज ए ट्रायंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी टू एबी एंड एसी आर इक्वल। प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलस। देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी और डी आपको मिड पॉइंट गिवन है बीसी का, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया डी। इसके बाद बोला है द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी टू एबी, दैट मीन्स आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है डी से ए बी लाइन पर। तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर। ये आपकी हो जाएगी एक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी। इसके बाद बोला है एंड ए सी आर इक्वल, आपको डी पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो चलिए आपकी ये परपेंडिकुलर हो गई। ओके, तो ए सी पर आपकी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है हमने। इसके बाद हम इनको यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। ये ई पॉइंट हो गया आपका और ये आपका एफ पॉइंट। इसके बाद देखिए, साथ में ये भी बोला है दोनों लाइन आपकी इक्वल हैं, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ की है दोनों आपस में इक्वल हैं। इसके बाद बोला है प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलस, तो आपको ये ट्रायंगल आइसोसेलस प्रूव करना है। आपको ट्रायंगल के अंदर ये बताना पड़ेगा कि टू साइड्स इक्वल होंगी। और उसके लिए देखिए, अगर मैं कह दूं कि दो एंगल आपके अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि दोनों साइड्स भी बराबर होंगी, ए बी और ए सी भी। तो उसके लिए अगर इन दो ट्रायंगल्स को बी डी ई और सी डी एफ इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना। और उसके बाद आप आसानी से बोल सकते हो कि ये साइड्स भी बराबर होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं। आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी एफ। ओके, इसके बाद देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका गिवन है। ओके, इसके बाद देखिए, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, ये भी आपको गिवन था। ओके, डी ई लाइन आपकी डी एफ के बराबर है। देखिए, फ्रॉम डी टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ओके, ये भी आपको गिवन है। इसके बाद देखिए, BD जो है वो आपकी DC के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि D आपका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट आपका लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स BD जो है वो आपकी DC के बराबर होगी। ओके, आप यहां पर लिख देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। फाइन, तो आप यहां पर बोल सकते हैं, देखिए एक आपका एंगल हो गया, ये आपकी साइड हो गई और ये आपकी हो जाती है हाइपोटेनियस। ओके, तो यहां पर आप यूज करेंगे आर एच एस रूल। तो यहां पर आप अप्लाई करेंगे आर एच एस रूल। इसका सिंपल सा मतलब है, जब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, लेट से मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, लेट से ये आपका 90 डिग्री एंगल है और ये हाइपोटेनियस दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनियस के बराबर है और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है। ओके, ये एंगल आपका बराबर हो गया, दैट मीन्स राइट एंगल। ओके, इसके बाद हाइपोटेनियस आपकी बराबर है। ओके, तो आप लिखेंगे एच। इसके बाद एक साइड भी बराबर है,
तो ये बनता है आपका आरएचएस रूल। तो इसी रूल को हमने यहां पर अप्लाई किया है, तो आप लिख देंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, यू कैन से ट्रायंगल बीडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीएफ। ओके, देखिए जैसे ही आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा, और उसके बाद आप बोल सकते हो कि AB जो है वो आपकी AC के बराबर होगी, है ना। उसके बाद आप सिंपली कह सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है वो आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ CP CT, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बाद आप बोल सकते हो AB इज इक्वल टू AC, ये कैसे होगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, आप लिख देंगे यहां पर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नाउ यू कैन से हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ABC इज ए ट्रायंगल इन विच BE एंड CF आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर्स टू द साइड्स AC एंड AB। इफ BE इज इक्वल टू CF, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है ABC। ओके, इसके बाद बोला गया है BE एंड CF आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर्स। ओके, तो लेट्स से ये आपका एक लाइन है, यहां से हमने ड्रॉ किया, ये आपकी हो गई परपेंडिकुलर। ओके, जिसको नाम दिया हमने BE। ओके, इसके बाद CF, आपको CF लाइन ड्रॉ करनी है, तो चलिए हम CF को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी हो गई CF। ओके, टू द साइड्स AC एंड AB। देखिए AC पर आपकी BE है और AB पर आपकी FC है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दोनों ही लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर। इसके बाद देखिए BE इज इक्वल टू CF, BE ये आपकी बराबर है FC के। इसके बाद बोला है प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस ट्रायंगल। तो देखिए इस ट्रायंगल को आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलस ट्रायंगल है। वंस अगेन आपको यही बताना है कि टू साइड्स इक्वल होंगे इस ट्रायंगल के अंदर, और वो कैसे बताओगे आप, जब आप इस ट्रायंगल के अंदर ये प्रूव कर दोगे कि दो एंगल्स भी बराबर होंगे, तो आप कह सकते हो कि टू साइड्स भी बराबर होंगी। इसके बाद आप बोल सकते हो ट्रायंगल आपका आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। तो बच्चों जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 में RHS रूल अप्लाई किया था, उसी रूल को आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे। इन ट्रायंगल BEC आपको दो ट्रायंगल लेने हैं और उन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन कौन से होंगे, दूसरा ट्रायंगल होगा आपका CFB। ओके, देखिए BEC और आपका CFB, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। देखिए BC इज इक्वल टू BC होगा, क्यों, ये आपकी कॉमन लाइन है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन हाइपोटेन्यूज। ओके, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के सामने जो आपकी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री एंगल हैं। BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। ओके, BFC
सी है ना, ये वाला एंगल, और सी ई बी ये वाला, ठीक है। ये दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री एंगल हैं और ये आपको गिवन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बी ई इज इक्वल टू सी एफ, एक साइड भी आपकी बराबर है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ ये भी आपको गिवन है। ओके तो देखिए एक आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज, एक हो गया आपका राइट एंगल, इसके बाद एक साइड हो गई आपकी, तो ये आपका यहां पर अप्लाई कर सकते हैं आरएचएस रूल, है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल यू कैन से ट्रायंगल बीईसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। ओके इसके बाद आप बोल सकते हो कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर होगा, क्यों, विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप यहां पर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, दैट मीन्स ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is isosceles.